इतना निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। ये क्या गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये सोचते हुआ बहुत ज़्यादा गलत, दूसरी चीज जिसने जिस जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, जांच बैठा ली जाए, जो जिसने करा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मेन है, यही हम चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सागर को कान भरा गया है, जी हाँ, किया गया है, और बिल्वास के तो वो कुल्लू कौन है? बेंगलोर का दोस्त है। क्या नाम है? नाम नहीं बता सकते आपको, नाम नहीं बता सकते उसका, मेन वही है। क्या करता था वो? वो इंजीनियर था। आपका बेटा फेसबुक पर तमाम भगत सिंह के पोस्ट डाला? हाँ, भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है वो। कौन सी किताबें पढ़ता था या फिर कैसी भी? वही भगत सिंह की ज्यादातर पढ़ता था, ज्यादातर भगत सिंह की पढ़ता था, ये करके गए हैं, ये वो, यही सब बात करता रहता। हमने बेटा काम भगत सिंह खाने के नहीं देंगे, अपना काम करो, दो पैसा कमाओ, अपना सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो, यही मेरी चाहत है। जब वो यहाँ से गया घर से तो क्या बोल कर गया? ये बोला कि ये हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम 14-15 तारीख को आ जाएंगे। क्या बता कर गया था? क्या? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कह रहा मैं घूम जा रहा हूँ काम से। क्या पहले भी कुछ ऐसी चीजें हुई है सागर की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं, बस फोन पे बातचीत होती रहती थी बस। तो आप मानते हैं कि इस पे कुछ स्तरीय जांच जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं उनको छोड़ा जाए। आप पेशे से क्या करते हैं? मेरा कारपेंटर काम है, कारपेंटर काम करते हैं। क्या आपको पुलिस से स्टेशन में बात पर बैठे थे, कैसे पहुंचे, क्या क्या बातें हुई? मैं खुद पहुंचा, किसी ने हमको बुलाया नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, हम खुद गए उनसे मिलने के लिए, दरोगा जी से गए, स्थिर थाने गए, बस कहा जो था वो हमने बताया उनको, कैसे क्या हुआ, कब गया, क्यों गया, हमने को बताया बस। तो बात करें तो सागर अगर देखे तो क्या पहले भी कभी बाहर ऐसे गया हो, दोस्तों से मिला हो, जिस बेंगलोर के साथी की बात कर रहा है? बेंगलोर गया है, करीब एक साल रहा है वहाँ पे, काम करता था, लेकिन हम यही चाहते थे कि अब जो आदमी अपने देश में ना कर पाया वो बाहर देश में क्या करेगा। हम भी तो लखनऊ में पैदा हुए हैं, ये हमारा उन्नाव है, वहीं जन्मभूमि हमारी, वहीं पैदा हुए हैं, हम भी तो यहीं हैं। दिल्ली भी रह के आए, राजस्थान गए काम करने के लिए, चंडीगढ़ काम करके आए, लौट फिर के फिर आ गए बस। बेंगलोर जब आखिरी बार एक साल पहले गया था, तो उसके वापस आने के बाद से क्या उस दोस्त से घर में बात करता था, वीडियो कॉल करता था, क्या बर्ताव में बदलाव आया था? बदलाव फोन आता था, फोन में बात करता था, लेकिन वो घर में बात नहीं करता, बाहर निकल के बात करता था। बेंगलोर से आने के बाद क्या उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया जो आपको कुछ सही नहीं लगा? सही क्या आता था, अपना खाना पीना खाता था, खाना खा पी के अपना घूमने चला गया, गाड़ी चलाता था, यही था बस। हम तो यही चाहते हैं बस ठीक ठाक हो सब। पुलिस ने आपको हिरासत में लिया? हिरासत में खुद गया था, हिरासत में नहीं, मैं खुद गया था। बाकी पुलिस ने मेरे से कोई ऐसी मेरी बदतमीजी नहीं, इज्जत से बात करी, बेटे ने जो करा तो करा ही है, मेरे से कोई ऐसी इस तरह कोई बात नहीं करी। बेटे के कृत्य को लेकर क्या आप शर्मिंदा है? शर्मिंदा तो बहुत ज़्यादा है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन दो कराया, उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसने करा है सजा उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल, जो दोषी है उनको बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए बस। देश चलती है संसद, बस सबसे बड़ी चीज है, सांसद रहते हैं, जी हाँ, अच्छा की दृष्टि से कहीं ना कहीं गलत किया तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये क्या गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारा बेटा निर्दोष है। कभी वो फोन पे क्या ऐसे वीडियोस को देखता था या किसी से वीडियो कॉल या फोन पे ऐसे बात करते आपके सामने नजर आया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो मुझको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था, मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहाँ बता के गया था वो?
कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोले मम्मी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। क्या काम बताया था उसने? दोस्तों से मिलने के लिए बोला था, आ जाऊंगा। किन दोस्तों से मिलने? अब उनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे मिले भी नहीं हम। तो घर से क्या वो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ गया था, कपड़े अपने साथ? क्या उसको जाते वक्त आपने कुछ दिया था? जाते वक्त हमने कुछ नहीं दिया उसको, वो गाड़ी चलाता था, उसके पास पैसे थे। घर से कुछ बना के आप दी थी वास्ते के लिए, सफर के लिए? नहीं, कुछ नहीं दिया उसको। कितना कमा लेता था एक दिन में? 500 रुपए, 600 रुपए कभी ऐसे। दूसरे की गाड़ी चलाता था कोटे पे। आपका बेटा कल संसद भवन में कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं व्यवधान पहुंचाया, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को फंसाया गया है, वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा, वो मेरा बच्चा निर्दोष है बिल्कुल, उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते, किसी ने तो फंसाया है उसको, वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरा एक ही बेटा, वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं, बस वो देशभक्त के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या आपको लगता है लोगों ने उसे फंसाया है? हाँ जी, बिल्कुल फंसाया। जिन लोगों के साथ वो कल घटना करता है, क्या उन लोगों को वो पहले से जानता था? क्या फोन पे बातें होती थी? इस बारे में नहीं पता हमें, मगर हमें ये पता है कि वो निर्दोष है, वो फंसाया जा रहा है मेरा बेटा। कैसे कह सकते हैं आप निर्दोष है? क्योंकि वैसा उसने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है गलत संगति में आके या उसके ब्रेन वॉश कर उसके दिमाग में कुछ चीजों को भर के ऐसा घटना को अंजाम दिलाया गया है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। और क्या कहना है, क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? हमारे बेटे को छोड़ दे बस, वो निर्दोष है, वो मेरा एक ही बेटा है।